नगरी वृंदावन में आतंक का पर्याय बने बंदरों के आतंक की दास्तां किसी से छुपी नहीं है। यहाँ आए दिन बंदरों के हमले का शिकार होकर महिला, बच्चे और बुजुर्ग अक्सर घायल होते रहते हैं। वहीं बंदरों के हमले में अब तक करीब एक दर्जन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इतने सब के बावजूद भी प्रशासन का बंदर के बढ़ रहे आतंक की ओर कोई ध्यान नहीं है। बंदरों के आतंक से सबसे ज्यादा ग्रसित वृंदावन का गोविंद बाग क्षेत्र माना जाता है, जहां ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब बंदरों के हमले में कोई चुटेल ना हुआ हो। खूंखार हो चुके बंदरों के हमले की एक वानगी सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में बंदरों के झुंड ने एक व्यक्ति पर हमला बोल दिया। ये वीडियो भी वृंदावन क्षेत्र के गोविंद बाग क्षेत्र का है और जो व्यक्ति बंदरों के हमले में घायल हुआ है उसका नाम निकुंज गोयल बताया गया है। दरअसल ये वीडियो दो दिन पुराना है, जब निकुंज गोयल अपनी दुकान से दोपहर को घर वापस आए थे तभी बंदरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह बंदरों के हमले से व्यक्ति भागकर अपनी जान बचाने की किस तरह कोशिश कर रहा है, लेकिन बंदर है कि उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस हमले में बंदरों ने इस व्यक्ति के शरीर पर कई जगह काटा। बंदरों के हमले में घायल हुए निकुंज गोयल ने बताया कि अब वो बंदरों के आतंक से इतने भयभीत हो चुके हैं कि वृंदावन छोड़ने का विचार कर रहे हैं। निकुंज गोयल, निकुंज आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बंदर आप पर हमला कर रहे हैं, क्या हुआ था और क्या पूरा मामला? जी, मैं किसी काम से अपने घर आया था और स्कूटर खड़ा करके घर के अंदर जा रहा था, पीछे से अचानक बंदरों ने अटैक कर दिया मेरे ऊपर। चार पांच बंदर थे और चार पांच जगह पे खाया उन्होंने मेरे को। वीडियो में देख रहा है आपको बंदरों ने गिरा लिया और जी तरह से आपको जख्मी भी दिया है। जी, दो बार गिराया मुझको वीडियो में, तो एक बार है, फिर आगे जाके एक बार हो गया था। काफी देर तक मेरे पीछे लगे रहे थे बंदर। ये रोज का वहाँ पर बता रहे जी, वहाँ पे सर दिन में रोज चार पांच बार इस तरह की घटना हो जाती है जिसमें परदेशी ज्यादा चोटिल होते हैं, बाकी के हम लोग तो थोड़ा फिर भी संभल के रहते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ ये घटना हो जाती है। क्या आपके पास उस समय कोई खाने की सामग्री थी? नहीं, कुछ नहीं था, मैं खाली आता बिना भैया। जी जी, कुछ ऐसा नहीं था जिसे नहीं, नहीं कुछ नहीं था ऐसा। बच्चों को निकलना बड़ा दुर्बल हो जाता है। बच्चों के लिए भी सर रोज आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। अभी पिछले माह मेरे बच्चे के साथ में भी हुआ ये सब। जी हाँ, जी हाँ, हम लोग तो ये विचार कर रहे हैं कि वृंदावन में रहे कि बाहर जाए। ये तो सोचने को मिली जी। वहीं इस संबंध में वार्ड नंबर 70 से पार्षद वैभव अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चुनाव से पूर्व सांसद हेमा मालिनी द्वारा बंदरों के आतंक से निजात दिलाने का आश्वासन दिया गया था। अब जनप्रतिनिधियों के पास जाकर वो समस्या के निवारण करने की हर संभव कोशिश करेंगे। पार्षद जी, आपके क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बंदर एक व्यक्ति पर अटैक कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला और अब आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? गोविंद बाग क्षेत्र में मीराबाई मंदिर के पास निकुंज जी का घर है, जो कि अपने घर आ रहे थे और बंदरों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया, जो कि वीडियो में दिखाया गया है। और गोविंद बाग क्षेत्र में बंदरों का आतंक बहुत है और लगभग पूरे वृंदावन में ही यही हाल है। और इस तरह से रोज बंदर हमला करते हैं लेकिन अभी तक कोई सार्थक प्रयास नहीं। जी जी, सांसद महोदया ने और माननीय मंत्री जी ने इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है और अब हम इस बारे में दोनों से बात करके समाधान का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब ये समस्या बहुत विकराल रूप धारण करती आ रही है और ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जब किसी ना किसी श्रद्धालु या व्यक्ति पर बंदर हमला ना करते हों। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।